तो अभी हम लोग कैब से जा रहे हैं भोजपुर मंदिर, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है, भोपाल के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। तो जैसा कि मैंने बताया, ये मंदिर भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और मेन रोड से काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है, जिसकी वजह से आप कन्वीनियंटली एक ही दिन के ट्रिप में यहाँ विजिट कर सकते हैं। मंदिर बेसिकली भगवान शिव को डेडिकेटेड एक हिंदू टेम्पल है, जैसे आज से 1000 साल पहले 1025 एडी में भोपाल को एस्टैब्लिश करने वाले राजा भोज ने बनवाया था, और आज की तारीख में एक टेस्टामेंट है इंडिया के मेडिवल आर्किटेक्चर का। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसका एक बड़ा सा आर्चिंग गेट, और इसके अंदर मौजूद एक बड़ा सा शिवलिंग, जिसे ऑलमोस्ट 7.5 फीट की हाइट के एक सिंगल पत्थर से कार्व आउट करा गया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसके बनने की कहानी। दरअसल मंदिर एक इनकम्प्लीट टेम्पल है, कि उसे ऐसे एक ही दिन में बनवाया जाने वाला था, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि बेसिकली राजा भोज को यहाँ से वापस जाना पड़ा था इस मंदिर की बनावट को रुकवा के, सोमनाथ के मंदिर पे हो रहे हमले को रुकवाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ पे हमला कर दिया था। और क्योंकि राजा भोज इसे एक ही दिन में पूरा करवाना चाहते थे, तो महमूद गजनी का हमला रुकने के बाद भी उन्होंने इस पे वापस काम नहीं करवाया और 1055 में उनकी डेथ हो गई। वैसे तो प्लान्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे खजुराहो की तरह ही कई और मंदिर भी बनवाए जाने वाले थे, लेकिन मंदिर का इनकम्प्लीट मंडप और इंट्रिकेट कार्विंग्स भी उस टाइम के आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर को रिफ्लेक्ट करती हैं। हालांकि क्योंकि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन कभी पूरा नहीं करा गया, इसलिए यहाँ पे कोई डेडिकेटेड प्रशस्ति नहीं है, लेकिन उदयपुर इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा गया है कि राजा भोज ने करीब 1000 मंदिर बनाए थे और उन्होंने धरती को मंदिरों से भर दिया था। इसके साथ ही यहाँ की सराउंडिंग्स भी शहर से दूर होने की वजह से काफ़ी पीसफुल है, जिससे हम इसकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी अच्छे से फील कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में ASI और MP सरकार ने मिलकर इस मंदिर के कंजर्वेशन के लिए कई सारे एफर्ट्स भी करे हैं, और फ्यूचर डेवलपमेंट्स में यहाँ मंदिर की हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस को विजिटर्स को समझाने के लिए कई और एफर्ट्स भी करे जाएंगे। अगर आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A few moments later. मेरे को वोट मारेगा। देखो देखो ये बहुत पीछे रह गया।